जिला कांगड़ा के अंतर्गत खंड विकास कार्यालय प्रागपुर में ब्लॉक की पंचायतों की समीक्षा बैठक उद्योग मंत्री एवं स्थानीय विधायक विक्रम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। इस अवसर पर उन्होंने बीपीएल मुक्त हो रही पंचायतों के बाद एसडीएम के पास पहुंच रही शिकायतों पर तल्खी दिखाते हुए पंचायत सचिवों को फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कुछ एक पंचायतों को बीपीएल मुक्त करने के बाद अब शिकायतें आने शुरू हो गई हैं, ये बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक ही साल में पंचायतों के लोग इतने समृद्ध हो गए कि पंचायतों को बीपीएल मुक्त कर दिया। सरकार ने बीपीएल सूचियों से अपात्र परिवारों को हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन कुछ एक पंचायतों के कृत्यों के कारण सरकार की छवि को खराब करने का प्रयास हुआ है। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने विधायक निधि तथा सांसद निधि के अंतर्गत स्वीकृत विकास कार्यों को समयावधि में पूरा न करने के लिए संबंधित कर्मचारियों को भी फटकार लगाई। उन्होंने कुछ पंचायतों में विकास कार्यों की स्पीड कम है, जिसमें पंचायत प्रतिनिधि तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि विकास के लिए सरकार की तरफ से धन की कोई कमी नहीं है, अतः विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीटिंग में भी बोला था कि हम लोग खास करके ये जो विभाग है, ये एक ऐसा विभाग है जो आम व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ विभाग। मैंने मीटिंग शुरू होने से होते ही आप लोगों के बीच में इस बात की चर्चा की कि मेरी पंचायत बीपीएल मुक्त कैसे हो गई। मेरा बीपीएल मुक्त पंचायत करने के पीछे क्या एजेंडा है, मैं ऐसा क्यों चाहता हूं कि मुझे सरकार पैसा दे रही है लेकिन जिस पंचायत के अंदर मैं काम करता हूं, जिस पंचायत के अंदर मैं सेवा करता हूं, मुझे मालूम यह है कि यहां के 10 लोगों को कोई लाभ नहीं मिला है, लेकिन मैं उन लोगों के साथ मिलकर जो लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं या क्रिटिलाइज कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ जुड़ गया। तो मित्रों, ये मैं पहले बोल रहा हूं कि आप के भागीदार बनते हैं सारे विषय के। मैंने पिछली बार भी बोला था, इस बार फिर बोल रहा हूं, आप लोग इस बचड़े में मत पड़े, अपने काम से मतलब रखें। आपको जो कायदे नियम बताए गए हैं उन नियमों के अकॉर्डिंगली काम करें। और मैं काम करते करते मुझे ऐसा लगे कि भाई जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं, अभी मैंने अभी कुछ लोगों के साथ जो बातचीत की है, चर्चा की है, मैंने उसमें पाया है कि हल्की स्पीड में तेजी आई है। अभी मेरे को नहीं लगा ऐसा कि कोई साल डेढ़ साल पहले का कोई काम था और उसके बारे में आप लोगों ने उसके बारे में मुझे ना बताया हो। हाँ, 4 महीने 6 महीने पहले को काम आया है, ठीक है, वो पाइप लाइन, वो मैं आपकी बात मानता हूं। लेकिन जैसे मैंने ये मनरेगा के विषय में चर्चा की है, इतने ज्यादा कंपोनेंट इसमें आते हैं जिसके कारण आप इस मनरेगा के माध्यम से उस गांव की सेवा कर सकते हैं, उस गांव के आम व्यक्ति की चिंता कर सकते हैं। और मेरा आप सबसे निवेदन है, ये केवल वही नहीं है कि जिनको खड़ा किया और पूछ लिया, जिनकी स्पीड कम है या जिनकी स्पीड बड़ी जो बताया गया, जैसा मुझे आप सब लोग जैसे नंबर 3 पे आप बता रहे हैं, आप नंबर 1 पे क्यों ना हो, सबसे बड़ा ब्लॉक है यहाँ पे। काम करने की स्पीड हमारी इतनी होनी चाहिए, लेकिन मैंने ये पाया है यहाँ बैठे बैठे कि लाइजन की कमी है। तो लाइजन हमारा आपस में बिल्कुल ठीक होना चाहिए। यहाँ खड़े होकर एक दूसरे को बोल रहे हैं, हाँ क्या करना, तू दस क्या करना, ऐसा